फार्मूला इलेक्ट्रिक कार बनाई है, जो कि पाकिस्तान की सेकंड इलेक्ट्रिक फार्मूला कार है। ये आइडिया जो बेसिकली हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के कुछ सीनियर थे, जिनका नाम था हारिस बिन अशरफ, वासे मोइज हाशमी, ये आइडिया उनका था। बेसिकली 2018 में उन्होंने एक इलेक्ट्रिक फार्मूला कार का ख्वाब देखा और उसको 2018 में उन्होंने शुरू किया। और 2018 से लेकर अब तक हमारी गाड़ी बिल्कुल एक रनिंग कंडीशन में आ चुकी है। वैसे तो गाड़ी को तकरीबन हमारी 2019 के एंड में तकरीबन तैयार हो चुकी थी, और फिर हमने ऑस्ट्रेलिया के FSAE 2020 में पार्ट भी लिया, जिसमें हमारी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स में 4th पोजीशन आई है और ओवरऑल डिज़ाइन कॉम्पिटिशन में हमारी 6th पोजीशन आई है। हम लोग ने जब गाड़ी जो फैब्रिकेट की है, वो हमने अपने रूल के हिसाब से फैब्रिकेट किया। उधर का जो ट्रैक FSA ऑस्ट्रेलिया का ट्रैक जो है वो है 22 किलोमीटर्स का। आप उसको लीस्ट टाइम जो है उसको करना, मतलब आपको जो है मैक्सिमम आपका टाइम 30 मिनट्स होता है कि आपको उसको कवर अप करना है। तो हमने अपनी गाड़ी की स्पीड, हमने इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया कि वो अल्हम्दुलिल्लाह इस 22 किलोमीटर का ट्रैक को वो आराम से 18 मिनट्स में कवर अप कर सकती है। और इसी तरीके से हमने उसकी मोटर, इसी तरीके से उसका बैटरी पैक भी हमने उसका डिज़ाइन किया कि ये जो है कम टाइम में ज़्यादा चार्ज हो जाए और हमें इसकी ज़्यादा एफिशिएंसी मिल सके। हमारी चार्जिंग टाइम है वो 2 hours 48 minutes का है। जो रेस हमारी होती है वो होती है 28 minute की रेस होती है, तो हमारी जो कार है वो 35 minutes तक रन कर सकती है। अभी तक गाड़ी पर अराउंड 30 to 35 लैक्स लग चुके हैं। फंड्स की प्रॉब्लम स्टार्ट में बहुत थी, क्योंकि वी स्टार्टेड बैक इन 2019, तो उस वक्त जो है इलेक्ट्रिकल का बहुत सो को पता नहीं था। हम किसी के पास भी जाते थे तो ये बोलते थे कि इसका स्कोप क्या है, आप पाकिस्तान में इसको चला नहीं सकते, आप चार्ज किस तरीके से करेंगे, यहाँ तो बिजली नहीं आती तो आप चार्ज किस तरीके से करेंगे। तो हमें फ़ंड्स का बहुत प्रॉब्लम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत से लोगों से कॉन्टैक्ट किया था, अपने PR से हमने कॉन्टैक्ट किया था, हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से भी बहुत सपोर्ट आया। हम लोग की NED यूनिवर्सिटी ने हम लोग को काफ़ी सपोर्ट करा है इसके लिए, और हम लोग को काफ़ी सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, जैसे कि हम लोग को ऑटोमोटिव लैब। इसके अलावा हमारे जो चेयरमैन है, ऑटोमोटिव चेयरमैन सर मुशाहिद ने काफ़ी सपोर्ट करा है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स चेयरमैन सर उस्मान ने हमारी काफ़ी हेल्प करी है। इसके अलावा हमारे एडवाइज़र जो है मैम अहरम, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट करी हम लोग को इस प्रोजेक्ट के अंदर।